और मैं चारों तरफ आपको जैसे दिखा रहा हूँ, ये देखो आप, इंटरनल आई थिंक ना रस्सी बांधी हुई है, इसको पकड़ पकड़ के इसके साथ साथ जाएंगे, देखो इसके साथ साथ जाके ऊपर से घुमा के 15 मिनट और पूरा पूरा राउंड दे के और यहीं पे ये ड्रॉप कर देंगे। क्या बात है जी, देखो भी नहीं जा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस है। चलो ये भी, ये जैसे इसको बांध रखा है, ये प्लास्टिक वाली ज़रूर है, बाकी सारा मतलब लकड़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और बाहर भी लिखा हुआ था कोई भी बोतल वगैरह प्लास्टिक ऐसा कुछ भी यहाँ पे ये यूज़ नहीं करते। वो सामने देखो जो बोतल वगैरह उसको भी क्लीन कर रहे हैं, वो अपन पूरा उधर से राउंड लेके यहाँ से लेके और इधर आ चुके हैं अपन, और क्या ले जाते हैं भाई, सही एक्सपीरियंस रहा ये भी अपना काफ़ी। तो अभी तो केरला की शुरुआत है, अभी आपको बहुत कुछ दिखाना है हाँ मैंने। जी, तो अपनी गुड मॉर्निंग हो गई है, तो अभी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ। अभी हूँ मैं कुरवा आइलैंड पे, तो यहीं पे ही अपने कैंपिंग की हुई थी, तो अभी उठ गए हैं मॉर्निंग में, और सब्जी वगैरह मेरे पास पड़ी है रात वाली, और अभी थोड़ी सी सेवियाँ वगैरह भी पड़ी हैं, और अभी मैं बनाऊँगा एक पराठा, पराठा बना के वो मैं रख लूँगा साथ में, और फिर निकलते हैं आगे, और आपको मैं दिखाऊंगा कुरुवा आइलैंड और केरला की कुछ अच्छी अच्छी लोकेशंस आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं पूरे इंडिया रोड ट्रिप पर हूँ, और इससे पहले मैं गुजरात, हिमाचल, लद्दाख, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका कवर कर चुका हूँ। सो इंडिया की अच्छी अच्छी लोकेशंस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल पर, तो बहुत कुछ अभी पेंडिंग है, और बहुत कुछ मैं आपको इंडिया का दिखाने वाला हूँ, अच्छे अच्छे विजिटिंग प्लेसेस आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और अगर आपने पराठा खाना है तो भाई आ सकते हो, बढ़िया वाला पराठा बना के मैं खिलाऊँगा आपको। और ये आ गया अपना देसी घी, भाई केरला है ना क्या ही बात है, जितना आपने सुना था ना वही चीज़ है, मतलब ये पूरी एक स्टेट है ना केरला है जो, बट क्या है कि मतलब इसको आप अगर एक शहर बोल देना सारे की सारी स्टेट को तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे लोग हैं मतलब बसे नहीं हुए, मतलब हर गली में हर मोड़ पर लोग बसे हुए हैं यहाँ पे। ये नहीं है कि हाँ भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तो वो क्या बोलते हैं कि रास्ते में खाली जगह मिल जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है, हर जगह पे लोग बसे हुए हैं इधर। लो भी है तो आटा दो पराठे का, बट आपने एक में ही काम चला देना है, एक में ही डाल देना है बस सारा सामान सामान जो भी है, और वेरी स्पून मैं आ रहा हूँ लेके, चम्मच जाना नहीं है कहीं किसी से। ये आ गया अपना चम्मच, ये थोड़ा सा घी डाल दिया अपने इसके अंदर, बाकी आप भाई पूरे व्लॉग जरूर देखा करो, कोई भी स्किप मत करना, क्योंकि तो केरल में बहुत कुछ है देखने वाला, मतलब सारा केरल ही देखने वाला है। मेरे को लगता है मेरे को यहाँ पे पता नहीं 15-20 दिन तो इजीली लग जाएंगे केरल केरल में, उसके बाद आप जाएंगे कन्याकुमारी केरल से। ये पराठा यार बड़ा बहुत बन गया, मैंने बनाया एक ही दिया है ना, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मोटा बन जाएगा और तो क्या है। बाकी भाई केरल में अगर आपको कुछ पता हो, मतलब क्या मैं जैसे पूरा सच तो मैं पूरा कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से भी, कौन कौन सी चीज़ें हैं देखने वाली, तो कई बार होता है कि अब मिस हो जाता है जो आप रील्स वगैरह देखते रहते हो है ना, तो अगर आपको कुछ पता हो कि ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी है ना, तो आप मुझे कमेंट में या मैसेज करके है ना, या मेरा जो नंबर है वो भी मैंने डाल रखा है उस पे इंस्टाग्राम की बायो में, उस पे डाल व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझे बता सकते हो कि ये वाली लोकेशन अच्छी है, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको वो भी मैं दिखा दूँ। और पराठे का साइज़ हो गया काफ़ी बड़ा, आपको दिखाऊँ पास में से मैं।
ये देखो चलेगा ना, कोई चक्कर नहीं है। और ऐसा कुछ व्यू है देखो भी, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना, मतलब क्या बात है, छोटे छोटे से घर हैं, है ना। तो इसमें एक चीज़ और मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि जो लोग हैं ना, मतलब अपने जूता चप्पल वगैरह कुछ भी वो अंदर नहीं लेके जाते अपने घर के। जैसे मैं मेन रोड पे आ रहा था, सबके जूते चप्पल थे, वो सबके बाहर वाली साइड ही पड़े हैं सबके। जैसे किसी के फैमिली मेम्बर में 4 हैं 5 हैं, बच्चों के, मतलब सबके बाहर पड़े हैं, वो अंदर कोई नहीं लेके जाता। और ये सेम चीज़ ही मैंने देखी थी वहाँ पे लद्दाख में, वहाँ पे भी यही चीज़ थी। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, है ना, क्योंकि घर के अंदर कोई शू वगैरह कुछ नहीं लेके जा रहे वो। तो पराठा खा के फिर निकलते हैं पा। ओ तेरा बताओ, जे ये नीचे गिर गया था, नीचे नहीं जाने दूंगा भाई। बहुत सही एक्सपीरियंस हो रहा है भाई ट्रैवल का ना, पूरे इंडिया ट्रिप का काफ़ी अच्छा जा रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा ही जाएगा। हाँ जी, तो अपनी वैन को आप यहीं पार्क रखेंगे, और इसके बाद मैं जा रहा हूँ अभी कुरवा आइलैंड पे, जो कि केरला के वायनाड वायनाड में है। इस चीज़ को आप याद रखना, और अगर कोई भी आप में से केरला का प्लान कर रहा है तो आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हो या इंस्टा पे मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आप बस जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ उसी तरीके से आप मुझे फॉलो करते रहना, है ना। तो आप नोट्स बना लेना, और से सही रूट प्लान आपको प्रॉपर मैं बताऊँगा, वही रूट आप फॉलो कर लेना, तो आप इजली पहुँच जाओगे और सारा केरला आप देख लोगे। तो कुछ ऐसा व्यू होने वाला है, मतलब मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी आ गया हूँ मैं। तो ये है टिकट काउंटर, 9 से 9 2, आगे लिखे नहीं भी कितने बजे तक है। जैसे मैंने पहले भी बताया लास्ट व्लॉग में, मतलब कि 4-5 बजे के बाद केरला के सारे टूरिस्ट प्लेस है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं, क्योंकि मतलब ये जो जंगली जानवर वगैरह बोल रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी होते हैं, ये बड़ा रीज़न है। और चलते हैं भाई आगे आइलैंड पे, देखते हैं अपने को उस आइलैंड पे क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या क्या चीज़ें होंगी। ये भाई सबसे पहले तो एक आ गई है शॉप, शॉप दुकान, टेडी बियर मिलेंगे और खिलौने मिलेंगे। ये देखो लेक है कोई भाई यहाँ पे। भाई यहाँ पे एक और सीन हो गया है कि जो अपना आइलैंड है वो क्लोज है। मैंने भाई से पूछा भाई क्यों क्लोज है ना, उन्होंने बोला कि वहाँ पे आइलैंड पे कुछ हाथी वगैरह का काफ़ी सीन है, जिसके करके वो उसे ओपन नहीं कर रहे, और मतलब वहाँ पे जाना सेफ नहीं है। तो यहाँ पे और एक्टिविटी है, यहाँ पे एक है बांबू बांबू राफ्टिंग, मतलब जो बांस के बनी हुई वो जो है इनकी वो बोट है, उस पर राफ्टिंग करवाते हैं, तो बोलते हैं कि वो आप कर सकते हो। तो मैंने सोचा चलो अभी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो आप चलते हैं बांबू राफ्टिंग करने के लिए। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, और ये भाई साथ में जा रहे हैं, और देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, भाई लेके जा रहा है साथ में। आप करेंगे अभी राफ्टिंग। तो ये जा रहा हूँ भाई मैं नीचे वाली साइड, और ये रही अपनी बोट, इस पे करने वाला हूँ बोटिंग। देखिए आप, मुझे ये भाई माइक सा ना गिर जाएगी। ये देखो भाई ये अपनी बोट है मेरी, इस पे अभी मैं जाने वाला हूँ। ये भाई कर रहा है उसको थोड़ा पास में। बैठते हैं भाई इस पे, आ जाऊं भाई, आ जाओ। ओके कम, दिस साइड और दैट साइड। ओके लो भाई, आप बैठ गए हैं अपनी बोट पर। ओके okay.
इसमें क्या है, अपने को 15 मिनट की जो है अपने को मिलने वाला है, क्या बोलते हैं, राइड बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, 15 मिनट तक आप इसमें अभी घूमने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखो ना ये मतलब टोटल बांस की बनी हुई है ना। तो नीचे देखो आप, ये पानी वगैरह भी है, पानी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, तो कोई चक्कर नहीं है, भाइयों को एक्सपीरियंस होता है जी, अपने को लेके जाएंगे बढ़िया तरीके से। क्या बात है जी, और मैं चारों तरफ आपको जैसे दिखा रहा हूँ, ये देखो आप, इन्होंने आई थिंक ना रस्सी बांधी हुई है, इसको पकड़ पकड़ के इसके साथ साथ जाएंगे, देखो इसके साथ साथ जाके ऊपर से घुमा के 15 मिनट और पूरा पूरा राउंड दे के और यहीं पे ये ड्रॉप कर देंगे। क्या बात है जी, देखो भी नहीं जा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस है। चलो ये भी है ना, आइलैंड पे तो नहीं जा पाए आप, बस वो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, वो मतलब हाथी वगैरह के करके वो बंद है, अगर उस पे जाना हो ना, वो सामने एक बोट है वो उसको दूसरी साइड लेके जाता है, और वहाँ से मतलब वॉक करके जाना पड़ता है अपने को, अबाउट 1 से 1.5 किलोमीटर बोल रहे थे, ट्रैक करके फिर आगे जाना पड़ता है। तो वो मार्च में ओपन होता है, अगर कोई आ रहा है बाद में मार्च या मई जून में आएगा तब वो ओपन होएगा, तो उस टाइम आप वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं। इस तरीके से कुछ लेके जाते हैं भाई, अगर बोट इधर उधर ना चली जाए तो रास्ते में ये देखो पोल वगैरह भी लगा रखे हैं, और ये ऐसे बांध रखे हैं रस्सियाँ, ये देखो हम इसके बीच बीच में से जाएंगे आप, बिल्कुल स्लो स्लो जाते हैं। भाई ने जैसे 15 मिनट का बोला था, लेकिन मेरे को लगता है भाई ने मतलब ज़्यादा टाइम घुमा दिया मेरे को, आराम से मतलब बातें वगैरह करके काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली मैंने भाई से यहाँ की, केरला के बारे में। भाई ने काफ़ी कुछ गाइड भी किया, बहुत सारे प्लेसेस अभी बंद हैं, काफ़ी बंद हैं, जिधर मैंने जाना जा रहा था अभी तो वायनाड में, तो देखते हूँ आज अपने को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद एक केव है वो ओपन है, वो मैं देखूँगा, तो उसके बाद 3 4 प्लेस तो भाई बोल रहा है कि वो बंद कर रखे हैं उन्होंने, अभी ओपन नहीं है, तो जितना मिलेगा चलो उतने ठीक है भाई। और ऐसा है नज़ारा कुछ यहाँ पे भाई, ये देखो आप, ये बात, ये भाई बस इसमें रस्सी को पकड़ के चला रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा के ले जाएगा अपने को, ये देखो भैया। नहीं पता क्या, ये जो प्लेस है ना ये है मतलब इको टूरिस्ट प्लेस बोला गया इसको, और इसलिए इसको मतलब बांस वाली जो बोट है ये यूज़ की जाती है, ओनली जो यहाँ पे मतलब रस्सी लगी हुई है वो थोड़ी मतलब प्लास्टिक की है, और पूरे आइलैंड पे कुछ भी ये प्लास्टिक यूज़ नहीं करते यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई ये, ठीक है ना। तो ये जैसे इसको बांध रखा है, ये प्लास्टिक वाली ज़रूर है, बाकी सारा मतलब लकड़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और बाहर भी लिखा हुआ था कोई भी बोतल वगैरह प्लास्टिक ऐसा कुछ भी यहाँ पे ये यूज़ नहीं करते। वो सामने देखो जो बोट वगैरह उसको भी क्लीन कर रहे हैं, वो अपन पूरा उधर से राउंड लेके यहाँ से लेके और इधर आ चुके हैं अपन, तो क्या ले जाते हैं भाई, सही एक्सपीरियंस रहा ये भी अपना काफ़ी। तो अभी तो केरला की शुरुआत है, अभी आपको बहुत कुछ दिखाना है मैंने, है ना। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो इनको ज़रूर शेयर करें आप, ठीक है जी, आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा के या किसी को भेज के, है ना, फेसबुक पे हर जगह पे, अगर आपको ये मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो अभी दिखाता हूँ और कुछ, मैं आपको आगे चलते हैं, ये देखो भाई। तो ये अपनी भाई जो बाम्बू राइड थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो यहाँ पे केव्स हैं, वो बोल रहे हैं कि ओपन है, बाकी तो सब बोल रहे हैं कि अभी क्लोज है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, जो चीज़ ओपन है आपा जस्ट वो देख लेंगे, जो क्लोज़ है वो तो अभी क्या ही देख पाएंगे, है ना। तो केव्स पे चलते हैं वो देख के, उसके बाद देखते हैं कोई नेक्स्ट लोकेशन कौन सी होगी। बाकी भाई केरला सारा अच्छा है, सारा सुंदर है, मैं आपको और भी आगे दिखाऊंगा, मतलब यहाँ के रोड वगैरह सब आपको दिखाने वाला हूँ। तो ओके जी, बाय बाय, मिलते हैं
नेक्स्ट लोकेशन पे, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।